पवित्र शंख का महत्व एवं लाभ। इस माह में शंख पूजा का विशेष महत्व है। इस माह में यदि किसी शंख को भगवान श्री कृष्ण का पांचजन्य शंख मानकर उसकी पूजा की जाए तो सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साधारण शंख की पूजा से भी पांचजन्य शंख की पूजा के समान ही फल मिलता है। रोजाना शंख की पूजा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। हिंदू धर्म में हर शुभ कार्य के अवसर पर शंख बजाना बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है। इसके अलावा इसके कई वैज्ञानिक लाभ भी हैं, जो शंख बजाने वाले को अनायास ही मिलते हैं। यदि दिन की शुरुआत शंख की ध्वनि से हो तो दिन बहुत अच्छा बीतता है। विष्णु पुराण के अनुसार शंख समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से एक है। माता लक्ष्मी समुद्र राज की पुत्री है और शंख उनका भाई है। एक महीने तक घर में शंख की पूजा करने से सामान्य आय के साथ करोड़पति बनने का सपना पूरा हो जाएगा। पूजन सामग्री: शुद्ध घी का दीपक, अगरबत्ती, कुमकुम, केसर, चावल, जलपात्र, फूल, कच्चा दूध, चांदी का वर्क, इत्र, कपूर और नैवेद्य यानी प्रसाद की व्यवस्था पहले से ही कर लें। पूजा विधि: सुबह शुभ मुहूर्त में स्नान कर वस्त्र धारण करें। सामने एक पात्र में शंख रखें, उसे दूध और पानी से नहलाएं। इसे साफ कपड़े से पोंछकर इस पर चांदी का वर्क लगाएं। घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती जलाएं। शंख पर दूध और केसर मिश्रित घोल से श्री एकाशरी मंत्र लिखें और इसे तांबे या चांदी के बर्तन में रखें। अब निम्र मंत्र का जाप करते हुए उस पर कुमकुम, चावल और इत्र चढ़ाएं। प्रसाद के रूप में शंख पर सफेद फूल चढ़ाएं। शंख की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करें, पांचजन्य पूजा मंत्र। समुद्र में उत्पन्न विष्णु विष्णु संपूर्ण जगत का विनाश करेंगे। रचित: सर्व देवैश्च पांचजन्य नमोस्तुते, तव नादेन जीमुता वित्र संति सुरासुर, शशांकायुद्दीप्तभा पांचजन्य नमोस्तुते। शंख का महत्व एवं लाभ। एक, यदि कोई माँ गर्भावस्था के दौरान शंख में पानी भरकर उसे पिलाती है तो उसके बच्चे को वाणी संबंधी कोई समस्या नहीं होती है। डॉक्टरों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि इससे उनके गर्भाशय पर दबाव पड़ता है। दो, जो बच्चे हकलाते या हकलाते हैं, यदि वे शंख में पानी भरकर पिएं और शंख बजाएं, तो उनकी बोलने की समस्या चमत्कारिक रूप से दूर हो जाती है। तीन, शंख बजाने से फेफड़ों का व्यायाम होता है। पुराणों के अनुसार अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति को नियमित शंख बजाने से इस रोग से राहत मिल सकती है। चार, बर्लिन विश्वविद्यालय में हुए एक शोध के अनुसार शंख की ध्वनि बैक्टीरिया और कीटाणुओं को नष्ट करने का सबसे अच्छा साधन है। जिस स्थान पर शंख ध्वनि होती है उस स्थान पर बुरी आत्माएं प्रवेश नहीं कर पाती हैं। शंख में रखे जल में कीटाणुओं को नष्ट करने की भी अद्भुत शक्ति होती है। शंख की ध्वनि से व्यक्ति का शरीर और उसके आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है और मन में सात्विकता का संचार होता है, जिससे सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। इससे शंख वादक के मस्तिष्क की गुप्त क्रियाएं जागृत होती हैं, जो उसके व्यक्तित्व विकास में अत्यंत सहायक होती हैं। पांच, शंख में गंधक, फास्फोरस और कैल्शियम जैसे उपयोगी पदार्थ मौजूद होते हैं, इसलिए इसमें रखे पानी में भी ये स्वास्थ्य वर्धक गुण आ जाते हैं। इसलिए हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए शंख में रखा पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है। छह, शिव को छोड़कर सभी देवताओं को शंख से जल अर्पित किया जा सकता है। शिव ने शंखचूड नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए शंख का जल शिव को वर्जित बताया गया है। सात, शंख न केवल वास्तु दोषों को दूर करता है, बल्कि यह स्वास्थ्य वृद्धि, आयु प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, पितृ दोष शांति, विवाह आदि में आने वाली बाधाओं को भी दूर करता है। शंख दो प्रकार के होते हैं, दक्षिणावर्ती और वामावर्ती, लेकिन एक तीसरे प्रकार का शंख भी पाया जाता है, जिसे मध्यावर्ती या गणेश शंख कहा जाता है। दक्षिणावर्ती शंख पुण्य से ही प्राप्त होता है। जिस घर में यह शंख रहता है वहां देवी लक्ष्मी की वृद्धि होती है। इसका प्रयोग विशेष रूप से अर्घ्य आदि देने के लिए किया जाता है। वामावर्ती शंख का पेट बाईं ओर खुला होता है। इसे बजाने के लिए एक छेद होता है। इसकी ध्वनि से रोग फैलाने वाले कीटाणु कमजोर हो जाते हैं। 9, महाभारत में भगवान कृष्ण के पास पांचजन्य शंख था, जिसकी ध्वनि कई किलोमीटर तक जाती थी। पांचजन्यम
ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्म वृकोदर। महाभारत 10 अथर्व वेद के अनुसार शंख से राक्षसों का नाश होता है, शंखेन हत्वा रक्षांसी। शंख का उल्लेख भागवत पुराण में भी मिलता है। यजुर्वेद के अनुसार जो व्यक्ति युद्ध में शत्रुओं का हृदय दहलाने के लिए शंख बजाता है वह अशुभ होता है। 11 महाभारत काल में शंख की ध्वनि से मिलने वाली अद्भुत वीरता और शक्ति के कारण इसका प्रयोग योद्धाओं द्वारा किया जाता था। श्री कृष्ण का पांचजन्य नामक शंख अद्भुत एवं अनोखा था, जो महाभारत में विजय का प्रतीक बना। 12 शंख को नाद ब्रह्म और दिव्य मंत्र बताया गया है। शंख की ध्वनि को ओम की ध्वनि के समकक्ष माना जाता है। शंखनाद आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। शंख से निकलने वाली ध्वनि जहां तक जाती है वहां तक रोगों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। 13 शंख समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त 14 अनमोल रत्नों में से एक है। देवी लक्ष्मी से उत्पन्न होने के कारण उन्हें लक्ष्मी भ्राता भी कहा जाता है। यही कारण है कि जिस घर में शंख होता है वहां देवी लक्ष्मी का वास होता है। 14 यदि किसी कारखाने में शंख स्थापित किया जाए तो कारखाने में तेजी से आर्थिक प्रगति होती है। यदि व्यापार में घाटा हो रहा हो या दुकान से आय नहीं हो रही हो तो दुकान के गल्ले में शंख रखा जाए तो इससे व्यापार में वृद्धि होती है। 15 यदि शंख को मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा पूजा करके स्थापित किया जाए, उसमें जल भरकर लक्ष्मी के चित्र के साथ रखा जाए तो लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आर्थिक उन्नति होती है। 16 घर में शंख स्थापित करें और प्रतिदिन 11 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः व कहकर शंख में एक चावल का दाना भरते रहें। इस प्रकार 11 दिन तक प्रयोग करें। इसके प्रयोग से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। इसी प्रकार प्रत्येक शंख से अलग अलग लाभ प्राप्त किया जा सकता है। 17 शंख सूर्य और चंद्रमा के समान दिव्य स्वरूप है, जिसके मध्य में वरुण, पृष्ठ में ब्रह्मा और अग्र में गंगा और सरस्वती नदियों का वास है। तीर्थ यात्रा से जो लाभ मिलता है वही लाभ शंख के दर्शन और पूजन से मिलता है। 18 शंख ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। शंख प्राकृतिक कैल्शियम, सल्फर और फास्फोरस से भरपूर होते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन शंख बजाता है उसे गले और फेफड़ों के रोग नहीं होते। 19 शंख बजाने से चेहरे, श्वसन तंत्र, श्रवण तंत्र और फेफड़ों का व्यायाम होता है। शंख बजाने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। शंखनाद से मुख के सभी रोग दूर हो जाते हैं। गोरक्षा संहिता, विश्वामित्र संहिता, पुलस्त्य संहिता आदि ग्रंथों में दक्षिणावर्ती शंख को आयुवर्धक और समृद्धिदायक बताया गया है। 20 अगर पेट में दर्द हो, आंतों में सूजन हो, अल्सर या घाव हो तो रात के समय दक्षिणावर्ती शंख में पानी भरकर रखें और सुबह उठकर खाली पेट उस पानी को पिएं, पेट के रोग ठीक हो जाएंगे जल्दी से। यह नेत्र रोगों में भी लाभकारी है। इतना ही नहीं, यह कालसर्प योग में भी रामबाण का काम करता है। 21 शंख को किसी भी दिन लाकर पूजा स्थान पर पवित्र करके रख लें और प्रतिदिन शुभ समय पर अगरबत्ती से इसकी पूजा की जाए तो घर में वास्तु दोष का प्रभाव कम हो जाता है। यदि शंख में गाय का दूध रखकर घर में छिड़का जाए तो इससे भी सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। साभार